अस्सलाम वालेकुम अपने प्यारे भाई बहन भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह जी अबू। अच्छा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, आप सब कैसे? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे, ढेर सारी खुशियाँ अता फरमाए, ढेर सारे सुख नसीब फरमाए। अल्लाह पाक हमेशा खुश रखे मेरे प्यारे बहन भाई। आज कुछ व्लॉग इस तरह का एक व्लॉग में आज हम आपको दिखाएंगे कि मोटर हमारी ख़राब हो गई थी बिजली की वजह से ना, तो हमने एक मतलब कि जो हमारा मिसाइल है बैटरी और सोलर प्लेट वाला वो दिखाएंगे। अबू जी आज सही कर रहे थे और घर की जो भी कारो मतलब कि काम शाम होंगे अपने प्यारे बहन भाई को वो दिखाएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी, जिस भाई ने अभी तक आसे भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सबसे पहले आसे भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल लाइन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली प्यारी न्यू वीडियो अपने प्यारे बहन भाइयों तक पहुँच सके। तो अबू जी अपने प्यारे बहन भाइयों से बात करेंगे, कुछ थोड़ी सी बताएंगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, सपोर्ट मांगेंगे अपने प्यारे बहन भाइयों से। अच्छा जी अबू जी सर। अच्छा अबू को मैंने कहा कि बटन बंद कर लें तो कुछ होता है ना, फैमिलीज वगैरह देखने वाली हैं तो इसलिए। अच्छा हाँ जी अबू जी अस्सलाम वालेकुम अपने प्यारे भाई बहन भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह जी अबू। अच्छा तो इंशाल्लाह अबू ने अब सोचा है कि अपने प्यारे बहन भाइयों को हम वो चीज़ें दिखाएंगे जो मतलब के प्यारे बहन भाई देखना चाहते हैं, मतलब के कुछ चीज़ें तैयार करेंगे हम देहात में, और देहात में जो भी हम फसल वगैरह होती है नई वो दिखाएंगे, और अपने जानवरों को जो ये जानवर हैं इनको चारा वगैरह डालेंगे, और इनकी जो खिदमत होती है मतलब के अलग अलग तरीके से वो अपने प्यारे बहन भाइयों से शेयर करेंगे। तो शेयर प्यारे बहन भाई भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो जो है शेयर और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को। तो अभी हम अपने प्यारे बहन भाई को दिखाते हैं कि हम पट्टे वगैरह कैसे कुतरते हैं, वो सारे कुछ जो भी हालात हैं वो अपने प्यारे बहन से शेयर करते हैं। तो चलें आप वीडियो देखें, हम मिलते हैं वीडियो के एंड में। मोटर जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, अबू जी और कज़न लगे हुए थे तो अब दोबारा खोलने लगे। अब ना इसका मसला जो अंदर है ना, इसका जो वरम होता है ना अंदर वाला, उसकी चूड़ी हो गई है बिल्कुल लूज़, तो उसी टाइम ना खुल जाता है, ये ओपन हो जाता है। अच्छा जी मेहनत कर रहे हैं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। अभी मिस्त्री आ रहा है सर। अच्छा जी वो आएगा तो देखते हैं फिर वो क्या कहता है, इसका क्या हाल निकलता है, शायद इसको लेके जाना पड़े दुकान पर, वहाँ से वरम चेंज करेंगे। हाँ इंशाल्लाह जो भी इसका सामान मतलब के रहता होगा ना। अच्छा ये आपको बताना मैं भूल गया था प्यारे बहन भाइयों कि ये मसले हम क्यों हल कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारी लाइट है ना ट्रांसफार्मर वो हो गया है ख़राब, सड़ गया है, तो उस वजह से ना ये हम मतलब कि अपनी जो है बैटरी और प्लेट पे जो काम कर रहे हैं सोलर प्लेट वाला, तभी हमें ना ज़्यादा मसला आ रहा है। देखें खुल जाता है। अच्छा नीचे खुल गए, तले ना लगा गया, अच्छा जी छोटा भाई आ गया सामान लेने के लिए, प्लास ले आना। प्लास अंदर होगा, चलो खुला है तो खोल ले। अब ये वो खुल दाई ना, वो डिपेंड है, हम खोल ऐसे तो ये खोल गया, ये खोल गया से जी। ये देसी जुगाड़ लग रहा है भाई अल्फी के साथ ना, हम ये वाला चूड़ी उल्टी है, चूड़ी सीधी है। अच्छा जब चलती है वो खुल जाता है, ये वजह है। ये अल्फी थी मैजिक। चल गया तो चल गया, हाँ।
क्रीज को ना थोड़ी लाल हो सकत है। मतलब साढ़े बाद ही देर है अच्छा ये मुबलाय लग रही है ये मुबलाय लगाते पे है ना। अच्छा किस वास्ते बरम सही चल सी रमा। अच्छा अच्छा रमा मोटर सौखी है। ठीक ठीक अच्छा जी मोटर फिर कस दी है दोबारा तो अल्लाह खैर करे पानी देंदी रहे दे कोई मसला ना बने नहीं तो बहुत ज़्यादा टेंशन बन गई सी बिजली की वजह से। अच्छा जी मोटर चला दी है माशाल्लाह चल गई है मोटर। अच्छा ये देखें पानी आ गया माशाल्लाह फिलहाल तो ठीक है जुगाड़ लगाया था लग गया पानी साठ में दी गल वो थोड़ा नहीं पानी का थोड़ा नहीं इतना नवा पाया बैंटे है। अच्छा अच्छा गर्म नहीं होया फिर बिल्कुल ठीक हो गया। हाँ हूँ पट्ठे कुतरे नहीं हूँ तो बिल्कुल ना बस है बैटरी की वजह तो थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है। अच्छा जी अब अबू जी माल पिलाने लगे तो माल पिलाते हैं उसके बाद हम उसके बाद ना पट्ठे वगैरह कुतरने हैं तो अपने प्यारे बहन भाइयों को दिखाते हैं जी। अबू जी अब ना मच्छी खोलने लगे हैं तो पानी पिलाते हैं। अबे दूसरी हूँ हो नहीं गई तैयार था तैयार हो गई है ना ये वच्छी। वच्छी अल्लाह खैर रखी दे बलसी गर्मी दे। अच्छा अच्छा चलो अल्लाह और ही माल शाल तक करना नहीं से और लेने आई मैंने दूध वास्ते ना ना। हाँ जी बिल्कुल अब जी ये मोटर की वजह तो बहुत टेंशन है बहुत ज़्यादा टेंशन है इसी वजह तो माल भी सारा इस तरीके प्यासा खड़ा आई तो बाकी जड़ा है ना काम अंदर घर के पानी नहीं जा रहे क्योंकि लाइट तो है नहीं इस वजह तो पेज को नहीं भी पेज को नहीं बने ज़्यादा पानी हो तो इस पैप ना लिखे लाए होंगे ना खड़े माल वास्ते निजाम है बड़ा फिट है उड़े वाला पानी उड़े वाला पानी उड़े पर नहीं लगे वाला इधर का चलो ये तो माशाल्लाह लाई खड़ी दोबारा ना हाँ ये ना सेहत है चेता पिछू पिछू ला के देख अपनी चडी छी लहा बनी है तो नहीं अभी थे क्या पता शराफत ने बना ली हो वाली माशाल्लाह बिल्कुल ना तैयार हो गए बन चुके हैं इक्की दिन लगता पे आज जाने हाँ छोटे चडी नहीं आती जिम्मे माशाल्लाह खुला चढ़ा करे सब बरानी का जड़ी हो बरानी का समय प्यार खड़ी हो में इन्हें सही खड़ी है आ देख हाँ ये तो मन खड़ी है ना ये वो सिदार हाँ इस की कर का है नहीं बच्चे तो बनवाई है देख माशाल्लाह उन पट्टे को तरने ना अबू जी पहुंच गए ने मोटर ते पट्टे को तर लेते हैं उस तो बाद बाकी जड़े काम शाम होसी ना वो कर लेंगे। अच्छा जी पट्ठे वगैरह आ गए हूँ मैं ना अब कुतर लवा मोबाइल एक साइड रख दिए
बिजली ना होए तो ए अजाब ही होखरे हां कोई माल रखे है तो बंद करना पड़े सारे अच्छा कभी घंटे में एक बार ही उतरने होते हैं पहले गेर होंदे यार हां टेन पहले गेर होंदे यार हां पुराने दौर है दाची ओठ जोड़ते ओ दाची ओठ कुत्ते जैसे बड़े कितने पुराने मकान दांत रेड़ा का ला करो ना छोटा जा ट्रैक्टर बाण में गेर ना पे सवेर तई पूरा करे सो हां सवेर तई पूरा करे सो पट शाम दे हां ए होन खतने बात शाम ही होर जा शाम ही होरा सा मोल की देवे हां मोल ने समय ले लिए ना हम पा दे दे अच्छा जी पट्ठे वगैरह को उतर लिए अब तो अब जानवरों को डालते हैं चारा अच्छा जी बुझे चारा ना डाल रहे हैं अब जानवरों को तुहाड़े अगे भी आ रहे तुहाड़े अगे भी आ रहे ना टेंशन लो ना देखे भी आ गया चारा जी आप अबू जी ना अबू के साथ मैं काम करवा रहा हूँ ये फोसियाँ वगैरह जो है ना ये इकट्ठियाँ करनी है चारा डाल दिया माशाल्लाह ये देखें अब इनकी ना मतलब कि फोसे वगैरह भी इकट्ठी करनी होती है जगह भी साफ़ करनी होती है सुबह फिर दोपहर को फिर शाम अब शाम हो गई है शाम इकट्ठी कर ले ये हमारा डेली का काम और डेली की रूटीन होती है ये वाला अच्छा जी अब्बू जी पट्ठे लेके आ गए हैं थोड़ी देर बाद जो मतलब के चारा वगैरह करना है ना वो हम डाल लेते हैं तंग हो गए लल अड़ बंदी है ना पट्ठे हो गए ना पूरे अच्छा अच्छा चल खंडा छुड़े नहीं तले सारिया अच्छा जी ये मैंने कड़ी पकौड़ा तैयार कर रहा हूँ तो अपने प्यारे बहन भाइयों को वो दिखाते हैं ये देखें पकौड़े ये कड़ी पकौड़ा आज तैयार हो रहा है पकौड़े मैंने अलग से बना लिए कड़ी भी तैयार हो गई
चलिए अबू जी लेके आ रहे लकड़ियाँ वो सामने। अच्छा जी पकौड़े हो गए तैयार, अब इनको बाइक कर लेते हैं। पता क्या सर्दी है ना, इस वजह से मैंने पकौड़े काट लिए। अच्छा जी अब ये मैं बाद में डालूँ, थोड़ा सा घी गर्म हो जाए। ये देखें ये कड़ी में ना पकौड़े डाल दिए, ये अब तैयार हो गए कड़ी पकौड़ा ज़बरदस्त। अच्छा जी अब इनमें पकौड़े डाल रहे हैं थोड़े से। अच्छा जी क्योंकि हमारे पास कढ़ाई है नहीं, कढ़ाई थी वो बड़ी है, इसलिए ना ये ना थोड़ा सा और ज़्यादा देगची वगैरह में ना आए डाल के ये तैयार हो जाते हैं। अच्छा ये पकौड़ा है ये देखें माशाल्लाह नरम, सिर्फ इसमें हमें बेसन इस्तेमाल किया हुआ, हमने मैदा नहीं डाला इसमें। बब्बू और मैं कर लेते हैं पट्ठे वगैरह जो है ना कुतरने हैं वो कुतर लेते हैं। चलो अब इन्हें ना नमक सटूँ ये ना मुँह मरे नहीं आ रही संगल। हाँ जी अच्छा हाँ जी मुँह मारे रख दें किसी ना किसी चीज़ में। ठीक चलो अच्छा जी आप पट्ठे टू करते हैं कुतरने पट्ठे, पहले ये जो है ना हम पांड वगैरह कुतर लेंगे ये बाद में कुतरेंगे। ये देहात में ना हमें लकड़ियों की ना बहुत ज़्यादा ना सहूलत होती है। अब ये देखें अब्बू जी ना लकड़ी वगैरह ना बना रहे हैं। मैं अब्बू जी के पास ही आ गया था, मैंने कहा मैं लकड़ियाँ ले आता हूँ। ये मुड्ढी ने चरावना बस जब पाड़ ले खुद छोटी हाँ जी अब ये मिट्टी शिट्टी लहा के ना सारियाँ हाँ जी अब ठीक छोटी हाँ तो दरम्यान पढ़नी फट बननी करे सुबह बोला खैर रखे ना कल। हाँ कुहाड़ा लाया सुबह उस बाद लाया वैसे कलियाँ कलियाँ ठीक हो गया चलो लकड़ी ले चलो मैं ना पट्ठे टुका लो। मैन भाई मशीन के पास मैं आ गया हूँ, तो अब पहले भी कुछ कुतर के गए अब दोबारा कुतरते हैं। अब्बू जी आ रहे हैं क्योंकि दो या तीन चार मरतबा ये ना हम मतलब के डेली मतलब घर में ना दो तीन मरतबा कुतर के इन जानवर को डालते हैं जी। पट्ठे हो गए हैं अब इनको कुतरते हैं, तो मोबाइल रखने लगा हूँ मैं।